रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं आरजी बरकार हर रोज मेरी आपसे शो पे तो मुलाकात होती ही है लेडीज फर्स्ट, और जब कभी वीडियो में होती है तो बात बड़ी खास होती है। तो आज की खास बात यह है कि फिर से मैं एक साधु बाबा की कहानी लेकर आई हूँ। एक साधु बाबा थे एक गाँव में, जो तारों सितारों के मूवमेंट को देखकर ये कैलकुलेट कर सकते थे कि क्या होने वाला है भविष्य में। गांव वाले भी उनसे पूछते थे, बाबा मेरे 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 मेरी मेरे तारों को देख के बताओ क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो एक बार ना वो गांव में जा रहे थे, शाम में कहीं घूम रहे थे सड़क पे, तो उन्होंने तारों सितारों को देखा। तो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से उन्हें ये समझ आया कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, सब कुछ फिनिश होने वाला है, अंत होने वाला है। तो वो इसी बात में खो गए। वो सोच रहे थे क्या होगा, तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, क्या होगा क्या होगा, दुनिया कैसे ख़त्म होगी। वो इसी परेशानी में जा रहे थे, उनको ना आगे का ध्यान रहा ना पीछे का, कुछ ख्याल ही नहीं रहा, बस वो अपनी ही बातों में सोचे जा रहे थे। अचानक से एक गड्ढा आया कीचड़ वाला, और उसमें वो गिर गए। निकलने की कोशिश की, निकल नहीं पाए क्योंकि दलदल बहुत ज़्यादा था। फिर उन्होंने आवाज़ दी, फिर गाँव वाले आए, गाँव वालों ने आके उन्हें जैसे तैसे बाहर खींचा। तो एक गाँव वाले ने कहा कि बाबा, जब आप इतना कैलकुलेट कर सकते हो तारों से तारों को देखकर कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला, तो आप इतना नहीं पता लगा सकते थे कि आप गड्ढे में गिरने वाले हो। उस दिन बाबा की आंख खुली कि सही में हम बहुत ज़्यादा कल के बारे में सोचने को लेकर अपने आज को इतना ख़राब कर देते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे साथ अभी क्या हो रहा है, इस चीज़ की हमें परवाह ही नहीं होती। इसलिए इस कहानी से एक सीख मिलती है, और वो ये है कि आपका हर आने वाला कल आपके आज में लिए गए स्टेप पे डिपेंड करता है। आज आप जो कदम उठाओगे उसी का परिणाम कल आएगा। आज आप पढ़ोगे अच्छा रिजल्ट आएगा, आज आप नहीं पढ़ोगे कितने भी तारे सितारों को जोड़ लो अच्छे मार्क्स कभी नहीं आएंगे। सो हर आने वाले कल को खूबसूरत आपको आने वाला आज बनाता है। तो कल के बारे में फिक्र ज़रूर कीजिए, बट जो मेन है ना 80% जो है ना वो अपने आज को कम से कम 80% भी दे लो ना, तो आपका कल 100% खूबसूरत हो सकता है। तो प्लीज़ इसका ख्याल रखें, कल को खूबसूरत बनाने के लिए आज को ख़राब ना करें। सुनते जाएं रेडियो सिटी 91.1 एफएम बरखा आपके साथ, रग रग में दौड़े पटना। हेलो, ये जो स्टोरी आपने सुनी ये नेहा की है, गर्दनी बाग से इन्होंने शेयर की थी। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करें, आपकी स्टोरी आपके नाम के साथ मैं ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगी। हो सकता है आपकी स्टोरी किसी की नेगेटिव थॉट में, किसी की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आए।